맞아요, 오작사. 봤어, 봤어. 지금. 맞아. 맞아. بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين मैं आज एरेड यूनिवर्सिटी में आपसे खास बात करने आया हूं। देखिए आप, अच्छा अब आपने बड़े आराम से मेरी बात सुन ली है। क्योंकि एरेड यूनिवर्सिटी कभी कभी एक कौम की तारीख में एक ऐसा वक्त आता है जब हर शहरी के ऊपर और खास तौर पे उस कौम की यूथ नौजवान उनके ऊपर यह लाजमी हो जाता है, फर्ज हो जाता है कि वो राय हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करें, जुल्म का मुकाबला करें, ना इंसाफी के सामने सर झुकाए, ना इंसाफी का मुकाबला करें। तो मैं आप सबको आज जिस तारीख के मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है, मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, और मैं पहले शुरू करता हूं एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल दुनिया का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर, 2500 साल पहले। उसने 2500 साल पहले कहा कि अगर माशरे में जुल्म हो और नाइंसाफी हो तो उसके सारे शहरी उस जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़े होंगे, सिवाय दो तबकों के, जो बुजदिल, जो डरते हैं, जो खौफजदा हैं, और जो दूसरा तबका खुदगर्ज है, जो सिर्फ अपना सोचता है कि अगर वो कंफर्टेबल है, अगर उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसकी दुकान चल रही है, घर चल रहा है, तो वो बुजदिल और खुदगर्ज सिर्फ वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, उसके अलावा सारे उस कौम के शहरी जालिम के सामने स्टैंड लेते हैं। और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को राय हक पे लगाने की तबलीग शुरू की तो उन्होंने भी कहा कि जहाद मुसलमान पे फर्ज है। और जहाद क्या है? ना इंसाफी के सामने आवाज बुलंद करना, हाथ से भी कर सकते हो, जुबान से भी कर सकते हो। बदकिस्मती से ज्यादातर हमारे जो मुल्क में जहाद हो रही है वो सिर्फ दिल में हो रही है, घरों में बैठ के बेचारे कुड़ते हैं कि देखिए कितना जुल्म हो गया, कि बड़े बड़े डाकों को छोड़ा जा रहा है, सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते हैं, कि एक मुल्क का निजाम ऐसा बना दिया है कि अगर आपने आज डाका मारना है तो छोटी चोरी ना करो, बड़ा डाका मारो।
आज ये हाल है हमारे मुल्क का कि मैं जिसको 50 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, क्योंकि मैं इन चोरों के सामने खड़ा हुआ हूं। हर रोज मेरे पे नई FIR कटती है, मैं अदालतों में जाता हूं, हर रोज जाता हूं। अभी इस फंक्शन के बाद फिर मैं अदालत में जाऊंगा अपनी जमानत करवाने के लिए। लेकिन मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के नौजवान जिन्होंने इस मुल्क को इंशाल्लाह लीडरशिप देनी है, मैं आज आपको एक मेरी याद, मेरे नौजवानों सुनो, एक सबके लिए, आप सबके लिए एक वो आदमी आपके सामने खड़ा है जिसने मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ चैलेंज लिए हैं, क्रिकेट से शुरू हुआ और अस्पताल बना के और फिर पॉलिटिक्स में, मगरबी कल्चर भी देखा है, अपना भी देखा है, सारी दुनिया देखी है। तो मैं आज आपको तजवीज एक सबसे पहले यह देना चाहता हूं कि देखें, अल्लाह ने आपको अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात, और अल्लाह ने हुक्म किया फरिश्तों को कि तुम इंसान के सामने झुको। और जब शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ हूं, मैं क्यों इसके सामने झुकूं, तो अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इंसान को कितनी सलाहियत दी है, कितनी पावर दी है। हम सब ने अल्लाह ने वो सलाहियतें दी हैं कि हम जो चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी रुकावट इंसान की परवाज में, सबसे बड़ी रुकावट, एक क्या रुकावट है, फिर से एक सबसे बड़ी रुकावट, अरे और भी रुकावटें हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट एक है। सुनो, और वो है खौफ। याद रखें कि एक बुजदिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाजशरीफ बन जाता है। वो जब मुश्किल आती है दुम दबा के लंदन भाग जाता है। आज तक और ये आपने जो अभी बात की, कि जो इंसान की परवाज ऊपर लेके जाती है वो है आजादी। कभी आज तक गुलामों की परवाज ऊपर नहीं हुई। गुलाम अच्छे गुलाम रहते हैं, गुलाम जूते पॉलिश करते हैं,
लीडर आजाद होते हैं। तो ये सुने जरा, सबसे चीज खौफ इंसान को जमीन पे रखता है। जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रिंग रहे हो? हम सबको अल्लाह ने पर दिए। और एरेट यूनिवर्सिटी, आप ये मेरी बात आज याद रखना कि ये अल्लाह ने किसी वजह से पाकिस्तान बनाया था, इसका एक बड़ा अजीम नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। और मेरा तेरा रिश्ता क्या, मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमारा रिश्ता ये हमारा रिश्ता ये था कि पुछा कमारी कोई पश्तो बोले, कोई सिंधी बोले, कोई सरायकी बोले, कोई उर्दू बोले, लेकिन हमारा रिश्ता था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले सब हैं। और उनका रास्ता वो जो इकबाल कहता है शाहीन, इकबाल का शाहीन यानी वो जंजीरें तोड़ के ऊपर परवाज करते। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों की जंजीरें तोड़ी तो तारीख बताती है कि चंद सालों के अंदर दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और उन्होंने दुनिया की इमामत की, क्योंकि मेरे नबी ने इंसानों की जंजीरें तोड़ दी। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि हम किसी के सामने नहीं झुकते, जिसमें सिर्फ पत्थरों की मूर्तियां नहीं, ये जो बुत, पैसे का बुत, खौफ का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, जो जहाद अकबर है कि अपने आप को अपनी नफ्स पे काबू पाना, ये सब रास्ते में रुकावटें हैं इंसान की परवाज की। तो एरेट यूनिवर्सिटी, मैं आज आपके पास क्यों आया हूं, आप सबको तैयार करने के लिए, ये है, ये वो वक्त है। एक दफा तहरीक पाकिस्तान, मेरी वालदा जब आप जितनी स्टूडेंट थी, उन सब ने उस तहरीक पाकिस्तान के अंदर जदोजहद की थी मुल्क को आजाद करने के लिए। और अब इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जदोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। ये जो अमेरिका की साजिश के जहर, अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर जो चोर मुसल्लत किया, जो 30 साल इस मुल्क को चोर लूट रहे थे, उनको जो मुसल्लत किया गया, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया, और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, मईशत तबाह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहे कि जी हमें पैसे दे दो, नहीं तो मर जाएंगे। शर्म उनको खुद नहीं है, मुल्क को जलील कर रहा है। और फिर कौम को मकरूज करके, यहां से पैसा चोरी करके बाहर, सारे बाहर बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं,
ملک میں آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں ہیں. اس لیے میں آپ سب کو کال دوں گا, سب سے آگے میں خود ہوں گا اور میں جیل تو چھوٹی چیز ہے, ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے میرے مستقبل کے لیڈر جو سامنے آپ کھڑے ہیں, آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سیاست ہے, یہ جہاد ہے. وہ ملک جس کے اوپر ایک کیبنٹ بیٹھی ہو جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو, کرپشن پہ ہو. ابھی کراچی کے اندر انہوں نے سندھ کا گورنر بنایا جو مجرم ہے. آج اس پاکستان میں جب تک کوئی جرم نہ کیا ہو بڑا عہدہ نہیں ملتا. اور اس لیے ہم اس قوم نے آپ نکلنا ہے. اور میں نے آپ کو سب کو کہا, ایک منٹ سنیں نوجوانوں, یہ سنو, آپ یاد رکھنا کہ دنیا میں جب دنیا کے اندر انقلاب آئے ہیں سب سے زیادہ طالب علم اس میں شرکت کیے ہیں. انڈونیشیا میں ڈکٹیٹر کو ہٹانے کے لیے کالج کے اسٹوڈنٹس نکلے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے. امریکہ کے اندر جو سول رائٹس موومنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ یونیورسٹی کیمپسز میں نوجوان اس ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوئے. ویتنام وار ہوئی اس کے خلاف نوجوان نکلے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس نکلے. اور اس لیے آج آپ سب نے تیاری کرنی ہے. میرے ساتھ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں کال دینے والا ہوں. سو آپ نے ایرٹ یونیورسٹی, ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے, کہ اس باری یہ قوم کھڑی ہوگی. یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے اور ان کے ہینڈلر, ان کے سامنے ساری انشاءاللہ قوم کھڑی ہوگی اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.